हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी दूनिया अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो पिछली क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस किया था तो उसके कुछ रूल्स अभी बाकी है, वो हम करते हैं। सो जो सब इसमें एक नोट भी है फ्रेंड्स, वो है जनरली वी यूज शेल विद आई एंड वी एंड विल विद अदर सब्जेक्ट्स इफ द सेंटेंस हैज ए सेंस ऑफ प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और एम्फेसिस। We use will with I and we and shall with other subjects। मतलब फ्रेंड्स जनरली हम I और we के साथ shall का यूज करते हैं और जो will है उसका यूज हम अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी सेंटेंस में अगर प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और इम्पेसिस का जो कोई भाव निकलता हो तो उस चीज में हम इसका यूज उल्टा कर देते हैं। जैसे कि I और we के साथ will का यूज करते हैं तथा अदर सब्जेक्ट के साथ शेल का यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है आई विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स इसमें एक प्रोमिस का सेंस निकल रहा है, इसलिए हम आई के साथ शेल का यूज नहीं करेंगे, हम आई के साथ विल का यूज करेंगे, आई विल हेल्प यू। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है आई विल किल यू। सो फ्रेंड्स इसमें थ्रेट का जो धमकी का, जिसको हम हिंदी में धमकी बोलते हैं, उसका सेंस निकल रहा है तो इसमें भी हम आई के साथ विल का यूज करेंगे, ना कि शेल का। आई विल किल यू। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है वी विल क्रैक दिस एग्जाम। सो फ्रेंड्स इसमें डिटर्मिनेशन का भाव है इस सेंटेंस में, इसलिए हम इसमें वी के साथ शेल का यूज नहीं करेंगे, वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। आई विल, वी विल क्रैक दिस एग्जाम। और इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है यू शुड ओबे मी। सो फ्रेंड्स इसमें इम्पेसिस का भाव है, एक दबाव का भाव है, इसलिए इसमें हम यू के साथ शुड का यूज करेंगे, तो यू शुड ओबे मी। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हेड बेटर का यूज हम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर एडवाइस, सजेशन और वार्निंग इफ इट डजंट शो पास्ट टाइम। सो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर फ्यूचर में एडवाइस और सजेशन या वार्निंग का कोई भाव निकलता हो तो उस जगह हम हेड बेटर का यूज करते हैं और ये कभी भी पास्ट टेंस का सेंस नहीं देता है और हम इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला विद यू। सो फ्रेंड्स हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो आती है, तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला रखना चाहिए। तो इसमें पास्ट टाइम का कोई सेंस नहीं निकलता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं हेड बेटर का हम और यूज कैसे कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में दो क्लोज हो, एक में हेड बेटर हो तो हम हेड बेटर में सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद इफ या व्हेन लगाते हैं, फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और सिंपल और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें भी लिख सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड्स इसका जो पहला एग्जांपल हुआ है इफ यू हैव फिनिश्ड योर डिनर आई हैड बेटर आस्क द वेटर फॉर द बिल। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम जानते हैं जैसे इफ के बाद हमेशा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो यहाँ पे इफ यू हैड फिनिश्ड योर डिनर, सो यहाँ पे इफ के बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आया है, तो और इसके बाद आई हैड बेटर आस्क द वेटर फॉर द बिल। ओके फ्रेंड्स इसके बाद दूसरा एग्जांपल है यू हैड बेटर लिव व्हेन यू आर फ्री। ओके फ्रेंड्स इसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो है, जो अगला रूल है वो है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। मतलब फ्रेंड्स अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो नेक्स्ट क्लोज में हम उसको तीन तरह से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल, शेल, कैन, मे, शुड, हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे लिख सकते हैं। जैसे कि इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन क्रैक द एग्जाम। सो फ्रेंड्स इसमें तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके बाद हम यू के जो सब्जेक्ट है उसके बाद विल, शेल, कैन, मे, शुड और हेड बेटर का यूज कर सकते हैं जो हमारी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पे कैन का यूज करेंगे क्रैक द एग्जाम। इफ दूसरा एग्जाम्पल है इफ वी रीच इन टाइम वी मे गेट द बुक। सो फ्रेंड्स ये भी इसी प्रकार है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें हम सब्जेक्ट के सेंस के अकॉर्डिंग मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो हमने वी मे गेट द बुक, मे का यूज किया वी के साथ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। सो फ्रेंड इसमें भी इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, तो जो नेक्स्ट क्लोज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी उसे लिख सकते हैं। तो इट टर्न्स इनटू वाटर। फ्रेंड्स ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा अगला टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स इसका रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस सीएल या विल प्लस बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ही जो उसका पहला एग्जाम्पल वो है ही विल बी बाइंग ए हाउस नेक्स्ट ईयर। सो फ्रेंड्स इसमें ही प्लस ही के साथ विल आ गया, प्लस बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म बाई का बाइंग हो गया, प्लस ए हाउस नेक्स्ट ईयर ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आई विल बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक। सो फ्रेंड्स ये भी इसी प्रकार है, आई के साथ विल आ गया, बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम टेंस, कुछ हमारे जो टेंस बचे हुए हैं वो अगली क्लास में करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।